महाराष्ट्र के पुणे से श्रमिक स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर ग्वालियर पहुंची। रेलवे स्टेशन पर मजदूरों का अधिकारियों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसके बाद उन्हें उनके घरों के लिए विशेष बसों से रवाना कर दिया गया। ग्वालियर में तीसरी श्रमिक ट्रेन पहुंची। पुणे से आई श्रमिक ट्रेन में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान कोई भी मजदूर गंभीर रूप से बीमार नहीं मिला। बसों में बिठाने के बाद मजदूरों को खाने के पैकेट मुहैया कराए गए। इसके अलावा केरल से भी आने वाली ट्रेन के 500 मजदूरों की व्यवस्था की जा रही है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में ग्वालियर चंबन अंचल के अलावा उमरिया, शहडोल, आगरा, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया के मजदूर भी सवार होकर यहां पहुंचे हैं। श्रमिकों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये ट्रेन अभी पुणे से आई है। इसमें लगभग जो हमको जानकारी दी गई उसमें लगभग 800 के आसपास मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के श्रमिक के आने की सूचना है। और आपने जैसा देखा होगा कि प्लेटफॉर्म के जस्ट बाहर हमारे 8 डॉक्टर की एक टीम बैठी गई है जो उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। स्वास्थ्य परीक्षण में जो स्वस्थ लोग निकल रहे हैं उनको उनके जिले की जो बसें निर्धारित की गई आरटी द्वारा उसमें बिठाकर उनको फूड पैकेट के साथ संबंधित जिले भेजा जाएगा। दौंड से आ रहे हैं ये महाराष्ट्र में पुणे जिले में। नहीं, बहुत अच्छे आराम से आए, सब कुछ बढ़िया व्यवस्था रखी, खाने पीने अच्छे से मिलता है। काम के चक्कर में गए थे हम स्टेशन पर काम करने के लिए, तो 2 दिन काम कर पाया उतने पता ही चला ऐसा हो गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।